हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के माइनक्राफ्ट की वीडियो हम लोग करने जा रहे हैं, एक ऑटो फार्म बनाएंगे, शुगर कैन फार्म बनाएंगे। तो हम लोग जो है ना वो ऑटो ऑटो फार्म बनाते थे, उसके लिए सबसे पहले हम लोगों को डर्ट की ज़रूरत है। तो यहाँ से एक एरिया दोनों साइडों पर हम लोग जो है ना दोनों साइडों का एरिया हम लोग डर्ट करा देते हैं। तो इसके बाद हम लोग यहाँ से भी डर्ट पुट कर देते हैं और दरमियान में पानी से बकेट से फिल कर देते हैं। अब इसके साथ सामने जो हम लोग शुगर कैन को इजीली लगा सकते हैं, हम लोग शुगर कैन को लगा देते हैं और यहाँ से दोनों साइड से हम लोग लगा देते हैं। अब जो इसके पीछे जाके हम लोग एक वाइट कंक्रीट का यूज़ करें, या शुरू में आप लोग कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। तो इनके पीछे मैं एक पिस्टन लगा देता हूँ। तो इस पिस्टन को हम लोग लगा देते हैं, पिस्टन के ऊपर हम लोग ऑब्जर्वर लगा देते हैं। ऑब्जर्वर लगाने का काम ये है कि ऑब्जर्वर जो होगा वो ऑब्जर्व करेगा कि जब भी कोई शुगर कैन बड़ा हो जाता है तो फिर वो उसको तोड़ देगा इजीली। ऑब्जर्वर के पीछे रेड स्टोन लगाने के लिए हम लोग वाइट कंक्रीट लगाते हैं और वाइट कंक्रीट के ऊपर हम लोग रेड स्टोन डाल देते हैं। अब रेड स्टोन डालने के बाद हमारा काम ये होता है कि हम लोग देखें हमारा जो फार्म है वो बिल्कुल ही वर्क कर रहा है, ऑब्जर्व उसको ऑब्जर्व करता है और पिस्टन से वो आगे की तरफ वो उसको तोड़ देता है। तो ये हमारा जो फार्म है वो बिल्कुल सही तरह से वर्क कर रहा है। तो अब मैं ये करता हूँ कि जिस तरह की मर्ज़ी का आप लोग ये जो है ना ऑटो फार्म बना सकते हैं। और इसके नीचे हम लोग हॉपर वगैरह लगा देते हैं। तो इसके नीचे मैं करता हूँ जो ऑटोमेटिकली कलेक्ट कर देगा और उसको हम लोग कनेक्ट कर देते हैं बॉक्स से। तो गाइस ये मेरी पहली वीडियो है, मतलब पीसी पे मैं शिफ्ट हो चुका हूँ, माइनक्राफ्ट कहता हूँ। उसके पहले जो मेरे गेम प्ले की वीडियोस आते रह गए हैं वो फ़ोन पे आते हैं। तो अब इसके ऊपर जो है हम लोग ग्लासेस वगैरह पुट कर देते हैं। ग्लासेस वगैरह पुट करने के बाद एक लेयर और इस तरह की हम लोग शुगर कैन फार्म बना देंगे ताकि हमारा एरिया भी बचे और ये भी फार्म बन जाए। तो इसके ऊपर एक और हम लोग फार्म बना दें। आप चाहें तो इसको और ज़्यादा लंबा भी कर सकते हैं और चाहें तो ऊपर भी बना सकते हैं। तो आप लोगों ने रेसिपी और इसका तरीका वगैरह जो है ना वो कम्प्लीटली समझ लेना है। उस तरीके को आप लोग समझने के बाद जो है ना वो अप्लाई करना है। तो ये मैं जो है गेम वो सर्वाइवल क्रिएटिव मोड में खेल रहा हूँ। तो बाद में जो है ना वो पीसी के ऊपर भी जो है ना वो सर्वाइवल मोड पे गेम प्ले आते रहेंगे। तो मैं अपना एक वर्ल्ड भी दोबारा से बिल्ड कर रहा हूँ, जो मैं मुकम्मल तौर पे शिफ्ट अप हूँ पीसी पे, माइनक्राफ्ट पीसी पे, क्योंकि पीसी पे ज़्यादा सही रह जाता है। मोबाइल से मैं अपग्रेड हूँ तो पीसी पे तो अब उसी की वीडियोज आएंगी। तो मैं अपना वर्ल्ड बना रहा हूँ, तो जब तक मैंने कहा गेम प्ले अपलोड करता रहूँ सर्वाइवल बेस्ड पे, तो ये सर्वाइवल बेस्ड गेम प्ले है। तो अब इसके ऊपर चलकर हम लोग एक और लेयर इस तरह की हम लोग बना देते हैं, फिर वही काम करेंगे हम लोग यहाँ पर डर्ट पुट करेंगे ताकि हम लोग शुगर कैन को इजीली उगा सकें। तो ये मैं डर्ट लगा देता हूँ, डर्ट के ऊपर एक लेयर पुट कर देते हैं, ज़्यादा से डर्ट की जो है ना रेयर पुट कर देते हैं। तो इसको ज़्यादा और बड़ा करेंगे क्योंकि इसके सेंटर में जो है ना वो वाटर आएगा, वाटर बकेट का लाना भी बहुत ज़रूरी है। तो अभी मैं कहता हूँ वाइट कंक्रीट को जो है ना वो पुट नहीं करते, तो इसकी एक और लेयर बना देता हूँ। अब जितना मर्जी चाहें ऊपर इसको लेके जा सकते हैं, और अगर आप एक और तरीका भी होता है आप लंबा भी कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं वही सेम चीज़ दोबारा से यहाँ पर रिपीट कर देते हैं हम लोग। वो चीज़ रिपीट करने के बाद इसको एंड में हम लोग ब्लॉक कर देते हैं ताकि हम लोग वाटर बकेट से इसको फुल कर सकें। अब इसको जो हम जो है ना हमने वाटर बकेट से फुल करना है, वाटर बकेट हमारे पास है थोड़ी, तो इसको दरमियान में पानी डाल देते हैं और इसके आगे चलकर हम वही शुगर कैन में उगा देता हूँ। जैसे जैसे ये ग्रो करेगा तो ये सिस्टम को आगे थ्रो करेगा, और इसको ऑफर थ्रो करने के बाद ऑफर इसको कैच करेगा, ऑफर से ये डायरेक्ट जो है ना वो चेस्ट में आ जाएंगे। चेस्ट में आने के बाद जो है ना वो इसको ईजिली कलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद मैं इसके आगे जो है ना वो ग्लास की लेयर्स भी पुट कर दूंगा, वो बहुत अच्छी लगेगी। तो गाइस मोबाइल से जो है ना पीसी पे
वो काफ़ी ह्यूज डिफरेंस है गेम का। पीछे पे जो है ना ज़्यादा बेटर रहता है, यहाँ पे डेजर्ट्स भी हैं बहुत सारे, सैंड के एरियाज भी हैं, जंगल्स भी हैं, तो काफ़ी डेंस एरियाज है, काफ़ी मज़ा आ रहा है मुझे खेलने में पीसी के ऊपर। तो अभी मैं न्यू हूँ पीसी के ऊपर, वैसे मुझे खेलनी तो आ जाती है काफ़ी हद तक, तो थोड़ा माउस कंट्रोल करने में भी इशू हो रहा था, तो अब काफ़ी हद तक कंट्रोल में आ चुका है, तो मेरा हाथ भी बैठ जाएगा अच्छी तरह से। ऐसे और गेम प्लेस भी आते रहेंगे, अगर आपको लाइक करें तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं इसके ऊपर वॉइस ओवर भी करता हूँ ना सारा कुछ, तो इसके पीछे जो है मैं वही वाइट कंक्रीट लगा देता हूँ, इसके ऊपर ऑब्जर्वर लगा देता हूँ। ऑब्जर्वर जो है ना मेरा वो थोड़ा गलत डायरेक्शन में चला गया, तो इसको स्ट्रेट ऑब्जर्वर लगा दिया और इसके पीछे मैं वाइट कंक्रीट लगा देता हूँ। तो एज यू नो के सर्वाइवल मोड में हमारे पास चीज़ें जो होती हैं वो बहुत कम होती हैं, तो अगर आपके पास वाइट कंक्रीट नहीं है तो आप सैंड का भी यूज़ कर सकते हैं, कोई इशू की बात नहीं है। मैंने ये इसलिए यूज़ किया है ताकि हमारा जो घर है, नहीं ताकि हमारी जो बिल्ट है वो बहुत खूबसूरत दिखे, खूबसूरती एंड में आप लोग बताइएगा कि किस तरह का दिख रहा है। तो ये इसको भी चेक कर लेते हैं हम एक दफ़ा, इसके ऊपर एक और शुगर कैन उगा के कि ये किस तरह से वर्क कर रहा है। तो ये मैं उगाता हूँ उसके ऊपर, तो बहुत ही अच्छी तरह से वर्क कर रहा है एम4। तो अब ये जो मेरा फैक्ट्री है ये कंप्लीट बन चुकी है। अब इसके आगे जो मैं ग्लास की लेयर्स कर दे देता हूँ, ग्लास इसके सामने लगाने का फ़ायदा ये होगा कि जो शुगर कैन हमारे बहुत ज़्यादा दूर जाके गिरे हैं तो वो करीब ही गिर जाएंगे और हॉपर उनको कैच कर लेगा। उनको कैच करने के बाद ये होगा कि हम लोग इजीली उनको कलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एंड पे सारा जो है वो ग्लास लगाता जाता हूँ, इसको ज़रा तोड़ता हूँ ताकि ये खूबसूरत दिखे। तो गाइस इसके नीचे वाइट कंक्रीट लगा देते हैं, डेकोरेशन भी अच्छी लगे ताकि अभी ये दूर से हमारा जो फार्म है वो बहुत अच्छा लग रहा है, कि हमारे जो शुगर कैन है वो ग्रो करने में काफ़ी टाइम लगता है, तो इस तरह से ये स्मूथली नहीं चलाते, मुश्किलों से खुद से ही मैंने इसको चलाता हूँ शुगर कैन को बड़ा करता हूँ, तो फिर देखता हूँ कि ये वर्क करता है नहीं करता, यानी अगर ऐसे वेट करने लग जाऊँ तो ये बहुत टाइम लगेगा। और फिर गाइस आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आप और कौन कौन सी गेम प्लेस देखना चाहते हैं। तो मैं तो वॉइस सिटी करता हूँ, वॉइस सिटी हो गया, माइनक्राफ्ट हो गई, और एक दो गेम्स भी करेंगे शायद फ्यूचर में, लेकिन अभी मेरा कोई उसका खास प्लान नहीं है। अभी उसको वाइस सिटी के गेम प्लेस कम्प्लीट आएंगे तो उसके मिशन मैं कर रहा हूँ उसको कम्प्लीट करते हैं, और माइनक्राफ्ट के मज़े के बिल्ड आते रहते हैं हमारे चैनल पे, तो मैं वाटर फ्लो रोक देता हूँ। और इसके साइडों से हम लोग ग्लासेस वगैरह इसके लगा देते हैं ताकि जो हमारा वो है ना प्रोडक्ट है वो बाहर ना जाए। तो इसके अराउंड सारे मैं ग्लासेस लगा सकता हूँ। इधर मुझसे गलती ये होती है कि ग्लासेस वगैरह लगाने के दौरान ही मैं इनके करीब लगाता जाता हूँ, तो मतलब एक स्टेप दूर मुझे लगाना चाहिए, ऐसे भी ठीक ही है। बस ग्लासेस वगैरह मैं लगा देता हूँ, तो ये मैं ग्लासेस लगा देता हूँ यहाँ पर सारे, इस तरह से हम आप लोगों ने लगाते हैं जाने। तो इसके फ्रंट साइडों से भी हम लोग लगा देते हैं, आप जो हमारे शुगर कैंस के वो हैं प्रोडक्ट्स हैं वो ज़्यादा दूर तक नहीं गिरेंगे। और गाइस सामने के एंगल से हमारा जो है शुगर कैन का बिल्ड है जो नहीं आउट ऑफ फॉर्म है, जो हमारा फॉर्म है वो बहुत अच्छा लग रहा है। साइड वाले ग्लासेस का जो है ना बिल्कुल भी फायदा नहीं है, तो ये अच्छा लुक नहीं दे रहा, तो इनको मैं तोड़ देता हूँ। तो ये सारे ग्लासेस मैं तोड़ता रहता हूँ। अब ये ग्लासेस से इनको रीफिल कर देना है, तो यहाँ से भी मैं फिल करता जाता हूँ और सारे से, और जिस तरह से हमारा जो फॉर्म ग्रो करेगा और उसके बाद जो है ना वो बहुत ही अच्छी वो आएगी। तो ये सारे मैं इसको ग्लासेस लगा देता हूँ। अब इसके बाद जो ग्रो करेगा हमारा फार्म तो जो प्रोडक्ट आएगा वो सारा हॉपर के अंदर और चेस्ट के अंदर आएगा, तो इसे इजीली हमें ये मिल जाएगा। तो शुगर कैन की हमें फिक्र करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, शुगर कैन से हम लोग शुगर भी बना सकते हैं और भी बहुत सारे प्रोडक्ट बना सकते हैं, जैसे केक, खाने पीने की चीज़,
तो ये काफ़ी यूज़फुल होता है, इसलिए इसको आप लोग भी अपने सर्वाइवल मोड में जो है वो बना लें तो आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाले। और गाइस वीडियो को एंड तक देखने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप इस तरह की और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मज़े मज़े की बिल्ड्स में आते रहते हैं तो ये सामने से भी बहुत अच्छा लुक दे रहा है। बस आज के लिए गाइस इतना ही। होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद ही है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। हाफिज़।